Thank you.
नमस्कार। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में पंडित डी के दातार का वायलिन वादन। पंडित दातार देश में लोकप्रिय वायलिन वादक के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने महान संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पद चिन्हों पर चलकर अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। कॉलेज में आपने प्रवेश लिया शिक्षा के लिए, लेकिन मन रमता था संगीत की दुनिया में। वायलिन की शिक्षा पंडित विघ्नेश्वर शास्त्री से प्राप्त करने के पश्चात आपने पंडित डीवी पलुस्कर को अपना मार्गदर्शक बनाया और स्वर्गीय पंडित डीवी पलुस्कर के साथ कई संगीत कार्यक्रमों में भाग लेने का गौरव प्राप्त किया। गायकी के अंदाज में वायलिन वादन प्रस्तुत करना आपकी विशेषता रही है। विभिन्न रागों को सरलता से इस वाद्य संगीत के माध्यम से अपने श्रोताओं, अपने दर्शकों तक पहुंचाने में आपको बहुत ही सरलता का अनुभव हुआ है। गत, ठुमरी, धुन और नाट्य संगीत जैसी विभिन्न कलाओं को आपने इस वाद्य के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचाया है। देश के अलावा विदेशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, नेपाल और सिंगापुर के संगीत प्रेमियों को भी आपने अपने वायलिन वादन से मंत्रमुग्ध किया है। आज पहले आप प्रस्तुत करेंगे राग मालकौस और फिर एक धुन। पंडित डी के दातार के सधे हुए हाथ, वायलिन जैसा साज, पहले राग मालकौस और फिर एक धुन सुनिए। Pandit Datar is counted among the foremost violinists of India, and his music has been presented in many national programs on radio and television, in many sammelans, and of course the Tansen festival, enthralling his audiences not only in various parts of the country but also in various parts of the world. Pandit Datar started as a commerce student, but his love for music distracted him from academics and he concentrated more on his violin and his training under Pandit Vigneshwar Shastri and later under his uncle, the late Pandit D.V. Paluskar. He adheres to the classical tradition and remains loyal in the presentation of his rags. His Gat, Thumri, Dhun and Natya Sangeet are indeed enchanting. His unique gayaki style is rare. Tonight, we hear him play Rag Malkaus and Dhun.